हेलो दोस्तों, मैं डेविड राउल स्वागत करता हूं आपका ऑटो इंडिया के एक नए फ्रेश एपिसोड में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 से 6 ऐसे फ्रेश अपडेट ऑटो इंडिया की तरफ से। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला अपडेट है वो है KTM की तरफ से। जी हाँ मित्रों, KTM के आपको ऑलरेडी पता होंगे कि यहाँ पे 2 वेरियंट है 390 में। पहला 390 है ड्यूक, जो कि नेकेड वर्जन है, और दूसरा है RC यानी कि रेसिंग एडिशन है, वो है KTM RC 390। लेकिन खुशी की बात ये है कि यहाँ पे तीसरा वेरिएंट आने वाला है KTM का, और वो है KTM 390 का एडवेंचरस वर्जन। जी हाँ मित्रों, एडवेंचरस वर्जन का मतलब ये है कि ये काफी अट्रैक्टिव होगा और ये बहुत ही एक्साइटेड डील होगी। अब हम लोग इंतजार करेंगे, और KTM के जो ऑफिशियल साइट है उस पर यह चीज बता दी गई है कि 2019 में ये बाइक इंडिया में लॉन्च की जाएगी। तो भैया जल्दी 2019 आ जाओ और आ जाइए बाइक, हम भी देख लें एडवेंचरस मॉडल की कैसा और कैसा नहीं है। यहां पे जो दूसरा अपडेट है दोस्तों वो है महिंद्रा की तरफ से। जी हां, महिंद्रा की मोजो XT 300 को एक नया कलर मिल गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि XT का एक नया कलर वेरिएंट मार्केट में आ चुका है, और ये कलर वेरिएंट है ब्लू प्लस सिल्वर में, यानी कि इसे हम ओशियन ब्लू भी कह सकते हैं। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 1,79,000 रुपये। तो भैया ये कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो अगर आप नए कलर वेरिएंट का वेट कर रहे हैं तो चले जाइए, क्योंकि नया कलर वेरिएंट आ चुका है। और इस बाइक के बारे में अगर आपको और डिटेल से जानना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करके उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। यहाँ पे जो तीसरा अपडेट है वो है सुजुकी की तरफ से। जी हाँ मित्रों, सुजुकी की बहुप्रतीक्षित स्कूटी जिसे हम कहते हैं बर्गमन 125 स्ट्रीट, जो कि बहुत ही बहुप्रतीक्षित स्कूटी है, और मतलब अपने लुक और अपने परफॉर्मेंस के लिए बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। तो इसकी भैया यहाँ पे बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो जितने लोग इंतजार कर रहे हैं इस स्कूटी का वो अपनी बुकिंग फटाफट करा लें, क्योंकि दिल्ली में इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो मिनिमम प्राइस रखी गई है बुकिंग की वो है 5,000 रुपये। यहाँ पे मित्रों जो चौथा अपडेट है वो है मारुति इंडिया की तरफ से। जी हाँ मित्रों, मारुति सुजुकी की जो इग्निस है, वैसे ये निराशाजनक समाचार है क्योंकि इसकी जो इग्निस है उसका डीजल वेरिएंट कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी वजह ये है कि कंपनी ये कह रही है कि इंडिया में इसका जो डीजल वेरिएंट है, यानी जो डीजल वेरिएंट यूनिट है, वो उसकी सेलिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से ये निर्णय उनको लेना पड़ा है कि अब वो डीजल वेरिएंट इग्निस नहीं बनाएंगे। तो ये डीजल वेरिएंट अब इग्निस का नहीं आएगा, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी भी पेट्रोल वेरिएंट हम लोग के आसपास है तो हम अभी भी इग्निस को भूल नहीं सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें सबसे आखिरी न्यूज़ की, तो ये न्यूज़ भी है प्लस अपडेट भी है प्लस एक माइलस्टोन भी है। तो आप सबको पता होगा हीरो प्लस होंडा, एक समय था कि ये दोनों कंपनियाँ एक दूसरे से काफी अच्छी पार्टनरशिप के साथ नई नई बाइक्स मार्केट में लॉन्च करती थी और लोग उनको पसंद भी करते थे। लेकिन आज का समय बदल गया है और दोनों कंपनियां अपने अपने लेवल पे एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाली बाइक को तैयार करने में लगी हुई हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें इन दोनों के अपडेट की माइलस्टोन की, तो इस बार मार्च और अप्रैल के फाइनेंशियल मंथ में ये आंकड़े निकल के सामने आए हैं कि जो हीरो की बाइक्स हैं वो 2 लाख, यानी कि 2 लाख हीरो की बाइक्स होंडा से ज़्यादा सेल की गई हैं। यानी कि अगर हम बात करें होंडा की बाइक्स की, तो उससे 2 लाख ज़्यादा यूनिट्स बेची गई हैं हीरो की तरफ से। तो यहाँ हीरो सीधे सीधे आगे निकल रहा है होंडा की तरफ से, तो ये चलिए बहुत अच्छी बात है। आज हीरो आगे है, कल होंडा आगे होगा, फिर परसों हीरो आगे होगा, तो ये तो लगा ही रहता है। बस आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए और हम लोगों को एक बेस्ट से बेस्ट बाइक देते रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में एक नए नए अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।